हरे कृष्णा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ग्लोसी पोर्टिको सर्व संपूर्ण चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम मंदिर ऑर्गेनाइजेशन एपिसोड 3 लेकर के आए हैं। यदि आपने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी वीडियो लिंक, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमारे मंदिर के ड्रॉअर 1 एंड ड्रॉअर 2 सेक्शन के ऑर्गेनाइजेशन है और इस एपिसोड में ड्रॉअर 3 का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये है हमारा ड्रॉअर 3 जो इस तरीके का है, ऐसे ओपन होता है। बहुत ज़्यादा स्टोरेज है इसमें और आप सामान देख सकते हैं किस तरीके से फैला हुआ है। तो आज हम इसे अरेंज करेंगे, सारा सामान निकालेंगे, आप सभी को दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या सामान रहता है पूजा का, और फिर हम इस सारे पूजा सामग्री को अच्छे से अरेंज करेंगे मिल करके। तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। मैं सारा सामान इससे निकाल लेती हूँ, अच्छे से दिखाते भी जाती हूँ। ये है मैच बॉक्स का पैकेट, ये रेडीमेड घी की बाती, ये बर्तन धोने के स्पॉन्ज, ये घी का डब्बा है, ये सारा संबरानी कप है, ये पैकेट सारे निकालूंगी, प्रसादम है भोग लगाने का, इसमें कुछ घी की बातियां हैं, ये भी घी का डब्बा है डेली यूज के लिए, इसमें घी रहता है। ये भी मैच बॉक्स का पैक है जो ओपन है। आलमंड का पैक है और ये जिप लॉक है तो इसमें आलमंड खराब नहीं होंगे। स्टील वूल है, कुछ हैवी बर्तन धोने हों मंदिर के, पूजा के, पीतल के, तो वो इससे धुलते हैं। ये टेप है, ये मंदिर ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी आसन लगाना है या कोई चीज़ें चिपकानी है तो ये चौड़ी वाली टेप मैं मंदिर में ही रखती हूँ और ये मंदिर के ही काम में आती है। तो जितने डेकोरेशन आपने मंदिर के देखे हैं तो सब में कुछ ना कुछ यूज हुआ है ये। ये कुछ डब्बे हैं एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए, ये सब देखना है मुझे कौन से किस चीज़ का है। ये बाती है, बाती का डब्बा, दोनों तरीके के बाती इसी में रखती हूँ मैं। इत्र का है ये शीशी, रोगन बादाम तेल है ये कान्हों के लिए स्पेशली, और ये हमारे स्किन पे भी काफ़ी अच्छी रहती है, बच्चों के स्किन पे भी अच्छी रहती है। प्योर डाबर बादाम तेल है, काफ़ी कॉस्टली आती है बट बहुत अच्छी रहती है। ये सारे हम कप्स हटा लेंगे, धूप वाले लोबान कप्स, ये देखिए एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, सॉरी एक्स्ट्रा वर्जिन नहीं है, वर्जिन कोकोनट ऑयल कोल्ड प्रेस्ड है। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल क्या होता है, वो हीट पे जाके तेल नहीं निकाला जाता है, तो इससे इनके जो न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स होते हैं वो इसी में रहते हैं। तो ये पूरा नारियल तेल के जो गुण होते हैं वो सारा मिलता है इस तेल से। इसे आप खाना भी बना सकते हैं, मालिश भी कर सकते हैं, बालों में भी लगा सकते हैं, सब कुछ। तो ये भी हमारे कानों के लिए ही है, या कुछ कुकिंग करनी हो तो इसमें भी कर लेती हूँ मैं कभी कभार। ये गंगा जल की बॉटल है, ये बॉक्स है जिसमें अभी कुछ सामान नहीं रखा है तो मैं रख लूंगी। ये एक पैक है इस तरीके का, ये भी खाली डब्बा है, भोग प्रसादम रहता है इसमें जो अभी नहीं है, इसे धो के मैंने रख दिया था। ये सारे मंदिर के ही डब्बे हैं, इसमें कलावे हैं हर तरीके के, मोटे पतले, और ये अखंड ज्योत है,
इसमें भी अखंड ज्योत है त्योहारों के लिए इस तरीके की। बहुत देर तक ये जलता है और काफी अच्छा रहता है ये ज्योत। ये एक डब्बा है स्टील का, इसमें है मिश्री। इस तरीके की मिश्री मैं इस्तेमाल करती हूँ जो हम फोड़ फोड़ के भोग लगाते हैं। ये प्योरेस्ट फॉर्म रहता है। यदि ये मिल जाए तो ये सबसे अच्छा है। मैं पीसेस भी शो कर देती हूँ। पीसेस देखिए आप इसके, तो ये है मिश्री का। ये जैतून का तेल, इसका वीडियो है सेपरेट चैनल पर, कितने काम में आता है। ये कान्हू का स्पेशल बॉटल है और जो मैंने उस वीडियो में शो किया था वो मेरे किचन का है। फिगैरो ऑयल, ये पतंजलि का दशांगम पाउडर है, इससे धूप बनाते हैं। धूप बनाने के सारे स्टेप्स भी इसमें लिखे हैं, बहुत अच्छा है। तो ये भी मैं यूज करती हूँ स्पेशल ओकेजन्स पे। ये हवन सामग्री है, पतंजलि ब्रांड है जो, और इसमें और भी चीजें हम मिक्स करते हैं, वो कभी मैं हवन करूंगी या स्पेशल वीडियो में बताऊंगी कि कैसे क्या क्या मिक्स करते हैं हम। ये सारा जनेऊ का डब्बा है, तो कुछ व्हाइट जनेऊ है, कुछ रंग के रखे हुए हैं। इस तरीके से हम गणपति जी को, शिव भगवान को, विष्णु भगवान को, सबको चढ़ाते हैं, स्पेशल जो पूजा होती है हर पूजा में। ये है कोलगेट पाउडर, इससे चांदी बहुत अच्छे से साफ होती है। जैसे पतंजलि से पीतल के बर्तन साफ होते हैं, वैसे इस पाउडर से चांदी बहुत ही अच्छे से चमक जाती है। तो मेरे पास चांदी के बर्तन बहुत सारे हैं, हमारे गणपति, लक्ष्मी, सरस्वती जी भी चांदी के हैं, तो वो सब काम में आते हैं ये कोलगेट पाउडर। और ये गंगा जल का न्यू पैक रखा हुआ है, देख सकते हैं आप एक्स्ट्रा। अब हम क्या करेंगे, इस ड्रॉर को अच्छे से डस्टिंग करेंगे एंड सारा सामान वैसे का वैसा अच्छे से अरेंज करके रखेंगे। जो कम यूज आने वाली है उसे पीछे रखेंगे, जो ज्यादा यूज आने वाली है उसे आगे रखेंगे अपने साइड। तो ये भी मंदिर का डस्टर ही है, इससे मैं ऐसे क्लीन कर लेती हूँ। कितना भी आप ऑर्गेनाइज कर लें, कुछ भी कर लें, आपको ये सारी चीज़ें हर पर्व पे, त्योहार पे, जब भी आप बड़ी पूजा करते हैं उसके बाद अरेंज करना ही पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो इसकी हालत जैसे अभी मंदिर की हो गई है मेरी, वैसी हो जाएगी। आपने देखा कैसे चीज़ें फैल गई थी, क्योंकि मैंने पर्व जो भी न्यू ईयर का श्रृंगार किया था या उसके पहले का श्रृंगार किया था, सारी चीज़ें जब शॉप करके लाई थी उसके बाद से मैंने इसे ऑर्गेनाइज नहीं किया था। तो अब हम साथ साथ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप भी अपना मंदिर चेक कर सकते हैं कि आपके मंदिर में क्या चीज़ें कैसी रखी है और कैसे आपको ज़रूरत पड़ती है, उस हिसाब से आप रीअरेंज भी कर सकते हैं, गंदा हुआ हो या ना हुआ हो। एक मैनेजमेंट तो बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पीछे मैं रखूंगी ये सारे कप्स, क्योंकि इसका पैक मैंने एपिसोड 1 में शो किया था कि किधर रखा है, और वहीं से मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो सारे कप्स ऐसे का ऐसे, ये प्लास्टिक में पैक है, इसे रख दूंगी। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से रख लिया है मैंने। इसके बाद हम ये न्यू वाले स्पॉन्ज रखेंगे, इसमें से एक मैं निकाल लेती हूँ। इस
इसमें से एक मैं निकाल रही हूँ पूजा के लिए, जो हम यहाँ पे आगे में रखेंगे, बाकी सब पीछे रखेंगे। और ये भी एक पैक मैंने पूजा के लिए निकाल लिया है, तो इसे भी हम अच्छे से इसमें रख देंगे। इस तरीके से ये है। ये भी पूजा में बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, विशेष पूजा में ही यूज करती हूँ, तो इसलिए इसे भी हम पीछे ही रखेंगे। हवन सामग्री ये भी यहाँ पे साइड में रख देंगे, क्योंकि हमें हवन के टाइम चाहिए होती है। ये नया गंगाजल पैक पीस है, इसे भी हम यहाँ पर पीछे रख देंगे। ये मैच बॉक्स मैंने इसमें रख लिया है, इसे पीछे रख देती हूँ, क्योंकि बाकी मैच बॉक्स हम रखते हैं बाहर ही। ये भी डेली यूज नहीं होता है, कभी कभार लेट हो गया पूजा में तब मैं इसे यूज करती हूँ, पर इसे मैं सबसे पीछे नहीं रखूंगी, यहाँ पे रखूंगी। इस बास्केट में मैं रख लेती हूँ तेल, गंगा जल, ये डेली यूज के लिए जो माचिस है वो, डेली यूज का धूप है, ये भी मैं यहाँ रख लेती हूँ। धूप उधर ड्रॉअर में भी मैंने रखा है, एपिसोड 1 में शो किया था, और कुछ धूप मैं यहाँ भी रखती हूँ। ये हल्दी की गांठ है जो काम आती है पूजा में, ये सुपारी है, ये बैग है, चेंज पैसे रखती हूँ मैं इसमें ताकि पूजा में चढ़ा सकूँ, तो इसे भी मैं इसमें रखूंगी, और इसे हम यहाँ पर सेंटर में रख देंगे। इस तरीके से हम सारे भोग प्रसाद हम रखते हैं, तो कुछ है ऐसे किशमिश पैकेट में है, इसे मैं खाली करके डब्बे में रखती हूँ। मिश्री है हमारी, इसमें घी है, इसको मैं पीछे रखूंगी क्योंकि डेली की जो घी है मैं इसमें निकाल लेती हूँ, तो इसे हम पीछे रख देंगे। अब ये डेली की घी है जो मैं यहाँ पर रखूंगी, एक में मिश्री थी, इसमें डेली की बाती है वो रख देंगे। ये मूंगफली है प्रसादम, ये किशमिश मैंने रख दिया प्रसादम के स्वरूप, मिश्री हो गई, मूंगफली हो गया, किशमिश हो गया। अभी ये किशमिश बच गई है, और ये हमारा जिप लॉक पैक है बादाम का, तो इसी में डाल करके पैक कर दूंगी, तो ये मैं यहीं पे रखूंगी साइड में इस तरीके से। अब क्या क्या चीजें बच गई हैं वो देख लेते हैं। ये डेली का क्लीनिंग स्पॉन्ज है, इसे भी मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। ये बाती है, बाती के पहले मुझे रखना है ये कोलगेट, ये भी सिर्फ क्लीनिंग के काम आएगा, इसे मैं इस हवन सामग्री के साइड में रख दी। बाती को यहाँ अच्छे से रख लेंगे। ये छोटी वाली भी बाती है, उसे भी रख लेंगे। और ये है कलावा, कलावा डेली पूजा में इस्तेमाल होता है, हम सभी भगवान पे कलावा अर्पण करते हैं, जो वस्त्र रूपी कलावा होता है। ये जनेऊ मैंने पहले शो किया था, इसे भी रख देते हैं, ये विशेष पूजा में यूज होती है, तो इसे मैं क्या करूंगी पीछे रखूंगी। इस तरीके से आप देखो हर चीज सामने दिख रही है, मैं कैमरा फिर से एडजस्ट करके शो कर दूंगी। ये है बॉटल जो अभी एकदम खाली है, और इसमें भी मैं कुछ
कुछ प्रसादम लाऊंगी वो रखूंगी, और ये है टेप, और टेप को मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ये रहा सारा मंदिर की सामग्री का ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी आपने आज तक देखा है सब कुछ आपके सामने अरेंज किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि शो कुछ और किया है, रखा किसी और तरीके से है, सब आपके समक्ष एकदम ट्रांसपेरेंट है। जैसे मैं रखती हूँ वैसे रखा है, वैसे आप ही कीजिए, हर चीज सामने मिल जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको। इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से वीडियो में। आप अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए और ईश्वर की सेवा में अपने तन मन से जुड़े रहिए। हरे कृष्ण, राधे राधे, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।